हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो आरआरबी की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया गया। फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डील्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया है, जो जूनियर इंजीनियर की इक्विवेलेंट है, जिसमें सिविल वालों के लिए 15 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे 18 इयर्स लेके 30 इयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। उसके अलावा एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जेड क्लास सिटीज में आप लोग को सैलरी 25,000 पर मंथ मिल जाएगी, वाई क्लास सिटीज में 27,000 और एक्स क्लास सिटीज में आप लोग को सैलरी 30,000 पर मंथ मिल जाएगी। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग गेट 2021 या तो गेट 2022 पे क्वालिफाई किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग गेट 2021 से पहले क्वालिफाइड है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर एक पोस्ट के लिए जॉब रिक्वायरमेंट का डिटेल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग अपने हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 18 जुलाई 2022। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में यहीं पे कोई भी एग्जामिनेशन कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। आपके क्वालिफिकेशन और गेट स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट होने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की बात करें तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑफलाइन रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, जिसको अच्छे से फिल करना है, और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है, उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा आपका गेट स्कोर कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आपका आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, पैन कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी, और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट। ये मेंशन करने के बाद आप लोग उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस यहीं पे मेंशन दे, आप लोग को उसी एड्रेस पे 18 जुलाई 2022 से पहले स्पीड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा। उसके अलावा सिलेक्शन होने के बाद आप लोग को ट्रेनिंग करवाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे आप लोग का जॉब का ड्यूरेशन 19th नवंबर 2022 तक रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसमें फर्स्ट आपको आपका नेम, फादर्स नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस और गेट स्कोर का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है। नेक्स्ट, अगर आप लोग के पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का डिटेल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर यहीं पे फिल करना होगा, और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उस डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को अटैच करके एक एनवेलप बना के इस नोटिफिकेशन पे जो भी एड्रेस मेंशन है आप लोग को उसी एड्रेस पे 18 जुलाई 2022 से पहले स्पीड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका आइटल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का आइटल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।